बारामई में ग्रामीण विकास के लिए वर्षों से तरस रहे हैं, जिसकी खबर को समाचार 24 ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसका संज्ञान लेते हुए एमडी ने ग्रामीणों को जल्द ही विद्युत सप्लाई देने का आश्वासन दिया है। हाथरस सादाबाद विकास खंड के ग्राम पंचायत बारामई में विकास न होने की खबर समाचार 24 ने प्रमुखता से दिखाई थी। आपको बता दें, हाथरस जिले के सादाबाद विकास खंड के ग्राम बारामई में पिछले कई सालों से बिजली, पानी, रोड, नाली की समस्या चली आ रही है, लेकिन कोई भी प्रतिनिधि विकास कार्यों की सुध नहीं लेता। इसे देखते हुए समाचार 24 की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर खबर दिखाई। जब ग्रामीणों ने बात की गई तो बताया कि बिजली तो कई सालों से गांव के अंदर नहीं आई। इसी खबर को समाचार 24 ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसका संज्ञान लेते हुए समाजसेवी प्रमोद चौधरी ने दक्षिणांचल विद्युत आगरा एमडी को विद्युत प्लान बनाने की पहल की है। वह विश्वास दिलाया है कि जल्द से जल्द इस गांव को बिजली मिलेगी। समाजसेवी प्रमोद चौधरी ने बताया कि हम लोग ऊर्जा मंत्री जी से मिले, विद्युत एमडी साहब आगरा से मिले, विद्युत एमडी आगरा ने जल्द से जल्द विद्युत प्लान तैयार कर गांव को बिजली देने की बात कही है। महिपाल सिंह, हाथरस समाचार 24। दो दिन पहले समाचार 24 पर विशेष तौर पर ग्राम बरामई के विकास को लेकर खबर दिखाई, जिसमें खबर का संज्ञान लेते हुए ग्राम बरामई के ही एक समाज सेवी आगे आए, उनसे बात करते हैं। 20 साल से जो बिजली की समस्या गांव के अंदर चली आ रही है, उसके लिए उन्होंने क्या कदम उठाया है? आपके गांव बरामई में पिछले 20 साल से बिजली की समस्या चली आ रही है, जिसका हमने प्रमुखता से दो दिन पहले खबर दिखाई, उसका आपने संज्ञान लिया। संज्ञान लेके आपने क्या कर रही की है, क्या सहयोग कर रहे हैं आप? उसमें काफ़ी लंबे समय से हमने एक माननीय मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन किया था, जिसका गाँव के लोगों का हमने सिग्नेचर कराया था एप्लीकेशन पर। वो फिर हमने राज्य मंत्री जी के थ्रू माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन किया था, उसमें आज मंत्री जी ने फोन करके बोला। और ये जो वहाँ का जो असिसमेंट है, उसका स्टीमेट जो है अलीगढ़ से अप्रूव होकर यहाँ पर एमपी कार्यालय आ चुका है, जो कि जल्द से जल्द सूचना देते वहाँ पर विद्युत लाइन जो उनकी तक पहुँच जाएगी। ये यहाँ के अधिकारियों ने आश्वासन दिया। कितने समय से आप इसके लिए प्रयास कर रहे हैं? 2 से 3 महीने के लगभग से हम इसके लिए कागजी कार्रवाई कर रहे हैं। हमने आपका हाथरस कंपल के ऑफिस में आके अधिकारियों से संपर्क किया, उसके कारण संपर्क किया, आज फिर हम आगरा आके यहाँ पर एमडी साहब ने क्या आश्वासन दिया है? ये बहुत जल्दी इस लाइन को ठीक कर आपको। आपके गांव में बाकी क्या बोलते हैं, पिछले 15 से 20 साल से वहां पर लाइन की कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। वो लोग गांव के जो ट्यूबवेल की जो लाइट जो होती है उससे अपना चला रहे हैं, जैसे वहां पर प्रॉपर जो लाइन जो लगी हुई है उसमें। तो हमने गांव बरामी के समाजसेवी मनोज चौधरी जी से जाना कि किस तरीके से उन्होंने प्रयास किया है। मैं महिपाल सिंह, समाचार 24 सादाबाद।